क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा ये ट्रायल बैलेंस गिवन है इसमें और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है कितना, 450। इसके बाद फोर एरर्स हैं तो पहले इनकी करेक्शन कर लेते हैं। ओके जी, एरर ए, बिजनेस हैड परचेज 2400 ऑफ न्यू इक्विपमेंट पेइंग बाय चेक, इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? अच्छा, इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? इक्विपमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इसने? अच्छा, द पेमेंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू एनी अदर लेजर अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या बनी? बैंक क्रेडिट 2400 और डेबिट कुछ नहीं है ना? ठीक है, तो डेबिट कुछ नहीं हुआ, राइट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ट्रायल बैलेंस पे? क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी, डेबिट साइड कम, तो डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके, अब करेक्शन क्या करेंगे? करेक्शन इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये हो जाएगी इसकी करेक्शन, ठीक है। इसको कॉपी कर लें। तो नेक्स्ट, एरर बी, परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ 800, क्रेडिट परचेज है, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। 800, ओके, रॉन्ग एंट्री। क्या लिखा? हैव बीन डेबिटेड टू पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो रॉन्ग एंट्री क्या बनी? रॉन्ग एंट्री अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज भी डेबिट। अरे, क्रेडिट परचेज हैज बीन डेबिटेड टू अकाउंट पेबल, परचेज को तो डेबिट ही किया और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया ना। ओके, अब ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा इसका? डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी, क्रेडिट साइड कम, क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। कितने से? 1600 से। अब करेक्शन क्या होगी? सस्पेंस को तो कर देते हैं डेबिट, हाँ, और अकाउंट्स पेबल, ये अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना था, हमने डेबिट किया, तो अब इसको क्रेडिट करेंगे, वो भी डबल से ना। अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा। कॉपी कर लें। एरर सी, सेल्स रिटर्न ऑफ 760, सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। अमाउंट कितना है? 760। ठीक, इसकी रॉन्ग एंट्री, हैव बीन डेबिटेड टू द पेबल, नहीं रहा, सेल्स रिटर्न हैव बीन डेबिटेड टू रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न को तो डेबिट ही किया और रिसीवेबल को भी डेबिट कर दिया, ठीक है जी। 760, 760 टोटल, ठीक है। अब इसका ये हो गया रॉन्ग एंट्री ना, इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा?
डेबिट ज्यादा हो जाएगी क्रेडिट कम, तो क्रेडिट पे सिक्स मंथ अकाउंट ओपन हो जाएगा 15-20 से। सो कलेक्शन क्या होगी? तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 15-20 से। कॉपी कर लें। एरर डी, कैश सेल्स ऑफ 1250, कैश सेल, कैश ये बैंक डेबिट हो जाएगा यहाँ पे और सेल्स क्रेडिट हो। इसमें आगे लिखा हुआ है पर पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कितने की सेल्स है? 1250। अब इसकी रॉन्ग एंट्री क्या बनी? और पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक बैंक अकाउंट टू द सेल्स अकाउंट एज 1520, सेल्स अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग हो गई। रॉन्ग एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट 1250 और सेल्स क्रेडिट कितने से? 1520 से। अच्छा, इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? क्रेडिट बढ़ जाएगी, डेबिट साइड कम हो जाएगी, तो डेबिट पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा कितने से? डिफरेंस के अमाउंट से। डिफरेंस कितना आ रहा है? 370। अब करेक्शन क्या होगी? सेल्स डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा ना। डिफरेंस क्या आ रहा है मुझे अपनी बता बताए। 270 है तो 370 किसे ज्यादा? ठीक है 270 नहीं, एक साइड है, दोनों साइड नहीं है। तो जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना गिवन है? ओके, सस्पेंस अकाउंट है, क्लास चल रही है, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? 450 क्रेडिट। तो बैलेंस आ गया 450 क्रेडिट। एंट्रीज पोस्ट करते हैं। पहले एंट्री की करेक्शन क्या है? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, ठीक। तो पहले एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट करते हैं 2400 से। ओके, एरर बी, इसकी करेक्शन में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, डेबिट कर देते हैं 1600 से। सस्पेंस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट सी, सी में भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट है 1250 से, 1520 डेबिट करेंगे 1520। और डी में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 270 से, तो क्रेडिट करते हैं 270। दोनों साइड का टोटल करें 3120, 3120, दोनों साइड इक्वल हो गई और ये सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया और इट मींस हमने करेक्शन सही कर दी। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट कॉपी कर लें। इक्विपमेंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 20700। तो यहाँ लिख लेते हैं जरा 20700। और करेक्शंस में एरर की करेक्शन में इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ये ऐड कर लेंगे 2400 ऐड करते हैं। टोटल बताएं, ट्वेंटी 3100। अच्छा, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस यहाँ पर गिवन है 540। करेक्शंस में, अच्छा एरर वन में नहीं है, बी में भी बैंक नहीं आ रहा, सी डी में बैंक नहीं है। बैंक बैलेंस एज इट इज कॉपी करेंगे 540। एरर बाय रिसीवेबल 8820,
2-0। करेक्शन में, हाँ, एरर सी की करेक्शन में रिसीवेबल क्रेडिट है 15-20 से, और यहाँ रिसीवेबल का नाउ बैलेंस डेबिट दिया हुआ है तो ये माइनस हो जाएंगे ना। 15-20 माइनस करेंगे, माइनस करके बताएं क्या आ रहे हैं, 7300। ठीक है, इसके बाद पेबल्स है, पेबल्स का बैलेंस है 3100, 3100। करेक्शंस में पेबल, हाँ, एरर बी की करेक्शन में अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है 1600 से, तो ये ऐड हो जाएंगे 1600, ऐड कर लेते हैं, टोटल 4700। जिसके बाद कैपिटल एज इट इज आ जाएगा 14700। सेल्स 56270, 56270। अच्छा, कलेक्शन में एरर डी में है ना, सेल्स डेबिट है, ये माइनस हो जाएंगे ना, 270 माइनस करेंगे, माइनस 270 मतलब 56270। तो माइनस कितना होगा, 27। माइनस करें कितना आ रहा है, 56। इसके बाद परचेजेस, परचेजेस हैं 29200। तो करेक्शन में देखिए, परचेज परचेज कहीं पर नहीं है, परचेजेस एडिटेड आ जाएंगे 29200। एक्सपेंसेस 14900, 14500 एज इट इज। सेल्स रिटर्न 760 एज इट इज आएंगी ना, दोनों साइड्स का टोटल सेम आ गया 74500। ये ट्रायल बैलेंस भी सेट हो गया। ओके, जिसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये आपने कंप्लीट कर लिया, टैली कर लें, इधर 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 इधर, इधर। ब्रेक के बाद है 10 बजे क्लास में, 1 घंटा। अच्छा, इसको चेक कर लें, चेक कर लें। अच्छा, एरर एक कंप्लीट ऑमिशन था, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया डायरेक्ट, इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। जी, एरर ए बी में सेम, तो इसका अकाउंट आया ना। अरे ना, यह मैंने लिखा नहीं है, इधर आप डेबिट में लिख सकते हैं, डेबिट में, डेबिट में आएगा। तो अगर रॉन्ग में आपको सस्पेंस लिखना है तो इस तरह होगा, फिर सेल्स क्रेडिट 19,570। इसमें देखें, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो सस्पेंस ओपन होगा डेबिट पर, डिफरेंस कितना आ रहा है, इस तरह हो जाएगा। क्यों 570 एंड 15,000 है इधर, और यहाँ 19,000 लिखा हुआ है, कितना फर्क है जी, डिफरेंस आएगा ना। हो गया सेम। अब एरर सी एंड डी,
एरर सी और डी चेक कर लें। सी एंड डी बी वाला सही, एरर सी एंड डी सेम सेम। हाँ यहाँ देखिए एरर डी में मैंने यहाँ क्रॉस डाला हुआ है, तो इधर आप सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल एंट्री एरर था, इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, डेबिट साइड पर डेबिट भी ओपन हो जाएगा, तो करेक्शन में क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट टोटल आ रहे 6500 सेम, ठीक। और फिर करेक्टेड ट्रायल बैलेंस 65300 टोटल आ गया, सही है।